हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पॉलिटी की 9वीं क्लास पढ़ रहे हैं। बाकी के 8 क्लासेस जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज के अपने पॉलिटी की 9वीं क्लास को देखते हैं जो संबंधित है राज्यसभा से। यानी आज के हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो कल की वीडियो में पढ़ा था, आप सभी को मैंने बताया था कि लाइट मतलब ज़्यादा नहीं रुकती है, कटपिट करती रहती है और इन्वर्टर भी ख़राब था, जिस वजह से जो है जो कल की वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी पढ़ाने में, और मुझे भी लग रहा था कि आप लोगों को भी समझ में भी कम आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे की वीडियो को अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर आगे की वीडियो को राज्यसभा से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा 8वीं क्लास था पॉलिटी का, जिसमें हमने पढ़ा था राज्य सरकार, जिसका उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। मैंने बताया था 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विधानसभा का चुनाव जो है 5 वर्षों में जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो विधानसभा का चुनाव है या किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो है जनता द्वारा किया जाता है। यानी जनता जिस प्रत्याशी को चुनते हैं और चुनकर विधानसभा में भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे विधायक या MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है विधानसभा में सीटों का वितरण किस आधार पर है, तो जनसंख्या के आधार पर। अधिकतम विधानसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम संख्या होनी चाहिए 500 और न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 60। और यह जो है बात किस में कही गई है, तो अनुच्छेद 170 में कहा गया है। लेकिन आप सभी को पता है भारत में विवाद हर एक चीज़ पर है, तो इसमें भी विवाद है। विधानसभा में 40 सीटें किस किस राज्य में है, मिजोरम में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें जो है 40 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि सिक्किम में 32 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पांडिचेरी, इसमें 30 है। तो ये आप याद रखेंगे, अधिकतम 500 होना चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए, लेकिन विवाद के रूप में 4 राज्य और एक पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद थोड़ा सा रिविजन करवा दें कि सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के पास उस विधानसभा की सीटों का आधे से अधिक सीट प्राप्त होना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे आपका यूपी में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है, तो 403 विधानसभा की सीटें हैं। अगर यूपी में जो है CM उम्मीदवार अपना मतलब चूज करना है, तो विधानसभा की सीटों में से जो है 403 सीटों में से आधे से अधिक सीट पर विजयी होना है। यानी कि 403 का आधा कितना हो जाएगा, तो 202 हो जाएगा। 202 विधानसभा सीट आपको जीतना पड़ेगा, इसके बाद ही अपना आप CM चुन सकते हैं। जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभा में, उन मंत्रियों का जो एक पूरा समूह होता है, उस समूह को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मंत्री परिषद। ठीक है, तो इस मंत्री परिषद से जो है मान लीजिए कि 20 मंत्री हैं, इन्हीं में से एक को अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं और कुछ जो है 20 में से 19 बचे, 19 में से जो है 10 से 12 मंत्रियों को जो है प्रमुख विभाग दे दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि मंत्रिपरिषद से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और इसके बाद मंत्रिपरिषद से ही कुछ मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग दे दिया जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया है। तो विधान मंत्रिपरिषद का जो मंत्री है इसकी टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 15% होना चाहिए किसका, विधानसभा के कुल संख्या का। तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कुल कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं और इसमें से मान लीजिए कितनों ने चुनाव जीता है, तो इसका जो है आप 15% निकालेंगे तो जितनी सीटें आपका आएंगी, तो जो जीता होगा वही मंत्री जो है क्या बनेगा, मंत्रिपरिषद का मंत्री बनेगा। ठीक है, तो 403 का 15% ही जो है क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद राज्यपाल जो है बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करते हैं, तो यह मुख्यमंत्री से पूछ कर करते हैं। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जब जनता चुनती है तो उसे निम्न सदन कहा जाता है, और विधानसभा की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कौन सा पद होता है, तो लोकसभा होता है। लोकसभा को भी क्या कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। तो विधानसभा लोकसभा दोनों निम्न सदन है।
फिर हमने पढ़ा था विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। वर्तमान में जो है आप सभी को पता है कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन सभी राज्यों में जो है विधान परिषद है, बाकी के 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 169। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी क्रिएशन या अवसान यानी सस्पेंड कर सकता है। अगर किसी राज्य में जो है संसद चाहे तो विधानसभा बना सकती है, और विधानसभा अगर है तो उसे अवसान यानी सस्पेंड भी कर सकती है। अगर किसी राज्य को चाहिए कि उसके राज्य में विधान परिषद होना चाहिए तो विधानसभा के लिए जो है उस राज्यसभा का जो विधानसभा है, विधानसभा की टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना चाहिए। यानी अगर आप सभी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में वैसे विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। तो इसे 403 सीट का 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव लाइए, फिर इसके बाद जो है उसे संसद के पास लेकर जाइए, तो संसद जो है उस पर विचार विमर्श करके आपके यहाँ पर विधान परिषद का निर्माण कर देगा। अभी इसी से संबंधित जो है मैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है आप सभी को मिलेगा राज्यसभा में, ठीक है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, बस इतना ध्यान रहे कि विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और इनका कार्यकाल जो है कितना होता है तो 6 साल का होता है। अभी ये सब बिल्कुल सेम जैसे विधान परिषद होता है उसी तरह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका हो जाता है राज्य सभा, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर समझ नहीं आया था उस वीडियो में, तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छे से आपको समझा दें, ठीक है। तो विधान से परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद अस्थाई सदन है, उसी तरह राज्यसभा भी क्या है? उच्च सदन है और अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको जो है जनता द्वारा नहीं चुना जाता, ठीक है। अब इसमें मैंने पढ़ा था राज्यपाल के बारे में कल की वीडियो में, भाग जो है 6 और 8 के 153 से लेकर 152 तक जो है राज्यपाल का उल्लेख है। राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह जो है अनुच्छेद 153 में कहा गया है। उसके बाद एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, जबकि शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, और इसके लिए अनुच्छेद है 159 अनुच्छेद में यह जो है तरीका बताया गया है। शपथ मुख्य न्यायाधीश, जबकि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद राज्यपाल के कार्य क्या हैं, तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत करता है राज्यपाल, ये आप याद रखेंगे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन की मांग भी करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर होता है, राज्य का प्रथम नागरिक ये भी गवर्नर होता है। विधानसभा का सत्र बुलाना और समाप्त करना ये भी किसके हाथ में होता है, तो गवर्नर के हाथ में होता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल द्वारा क्षमादान करने की भी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, लेकिन आप याद रखेंगे राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, और राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है इसके पास आर्टिकल 213 के द्वारा प्राप्त है। फिर हमने पढ़ा था पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में, आप सभी को बताया था कि संसद के 3 अंग हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पार्लियामेंट इसे संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं। तो संसद का उल्लेख भाग जो है 5 में है, और इसके बाद अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघीय कार्यपालिका का प्रस्ताव मतलब इसमें उल्लेखित है। इसके बाद हमें देखा था कि जो है आर्टिकल 79 भारत के संसद, ठीक है। तो भारत के संसद में कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं आर्टिकल 79 के तहत।
फिर हमने देखा था लोकसभा के बारे में, इसे निम्न सदन कहते हैं क्योंकि यह 5 वर्षों तक स्वतः अपने आप भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इनके सदस्यों का चयन जनता द्वारा किया जाता है, इसे साधारण सभा भी कहते हैं। लोकसभा का गठन जो है देश में जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसके बाद मूल संविधान में लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में 500 थी। इसके बाद लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 तक हो सकती है, लेकिन मूल संविधान में 500 बताया गया था। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 553 है। ठीक है, तो कितनी है, 553 है, ये भी आप याद रखेंगे। इन 543 सीटों में जो है 524 सीट कहाँ से आती हैं, तो राज्यों को आवंटित हैं। इसके बाद राज्यों का मतलब जो आपका लोकसभा सीट होता है, जैसे आपका मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तो यही जो लोकसभा की सीटें हैं, तो सभी 28 राज्यों को जोड़कर जो है कुल लोकसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं, 524 हो जाती हैं। तो 524 सीटें कहाँ से आती हैं, राज्यों को आवंटित हैं, जबकि बाकी के 19 सीट जो बचती है वह केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया है। लोकसभा में एसटी के लिए जो है कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 84 हैं, एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तत्पश्चात आपका महाराष्ट्र हो जाता है, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, ये आप याद रखेंगे। सर्वाधिक एससी सीटों वाला राज्य आप देखेंगे तो यह यूपी, और एसटी सीटों वाला मध्य प्रदेश है। इसके बाद देख मैंने बताया था कि जो है एसटी व एससी के लिए आरक्षण किस राज्य में नहीं है, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे जो है एससी और एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ पर है, क्षेत्रफल के आधार पर तो वह लद्दाख हो जाता है, इस प्रकार से मैंने बताया था। और जनसंख्या के आधार पर जो है अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो इस प्रकार से बताया था। लोकसभा में सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, तो इसमें भी वही है कि जितनी लोकसभा की निर्वाचित सीटें हैं यानी 543 सीटों पर प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो 543 सीटों पर जो है प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें सरकार बनाने के लिए सीटों का संख्या कितना होना चाहिए, तो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तो 543 का हो जाता है 272 सीट। तो 272 सीट लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए आप सभी को, मतलब लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं जिन्हें संसद कहते हैं, सांसद कहा जाता है, उनके पास जो है 272 सीटें होना चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। इसी तहत मैंने बताया था एनडीए के अंतर्गत जो है बीजेपी आता है और यूपीए के अंतर्गत आपका कांग्रेस आता है। तो एनडीए में महत्वपूर्ण पार्टी हो जाती है आपकी बीजेपी और यूपीए में हो जाती है महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस। तो जब छोटे छोटे दल जो है बीजेपी से संगठन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो वही कहलाता है एनडीए, और जब कांग्रेस से छोटे छोटे दल या क्षेत्रीय पार्टियां मिल जाती हैं तो वही यूपीए कहलाता है। कार्यपालिका या सरकार यानी कि जो संसद में जीती हुई पार्टी होती है उसी को सरकार कहा जाता है। तो जीती हुई पार्टी के सांसद यानी एमपी अपना नेता चुनते हैं, यानी सत्ताधारी दल का नेता वही प्राइम मिनिस्टर होता है। आप डायरेक्ट इस वाले फिगर पे चलते हैं, तो मैंने बताया था जैसे विधानसभा में उसी प्रकार आप देखेंगे लोकसभा में। तो यहाँ पे एक चुन मतलब सारे जो 272 प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो वही क्या बन जाते हैं, वही होता है मंत्रिपरिषद। तो इसी 272 में से जो है एक जो है सत्ताधारी दल का सब लोग 272 लोग आपस में बातचीत करके एक को जो है अपना पीएम चुन लेते हैं, और बाकी के इन्हीं में से 272 में से मान लीजिए 70-80 लोगों को जो है एक प्रमुख जो है क्या दे दिया जाता है, पोस्ट दे दिया जाता है, महत्वपूर्ण विभाग दे दिया जाता है 70-80 लोगों को, तो वही क्या कहलाते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो एक जो निकलता है वही पीएम बन जाता है, बाकी के जो 70-80 महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं वही कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये सभी मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है। और मैंने बताया था कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। और यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, मैंने बताया था ये लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, इनके दाहिनी तरफ जो है सदन का नेता होता है यानी जिसकी सरकार होती है उसके प्राइम मिनिस्टर इधर बैठते हैं, और जिस पार्टी के जो है जो विपक्ष में पार्टी बैठती है मतलब जिसका सरकार नहीं बना रहता है वो लोकसभा अध्यक्ष के बाईं तरफ बैठते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता सदन में विपक्ष का नेता होता है, जैसे वर्तमान में आपके राहुल गांधी इस हैं वही विपक्ष के नेता हैं।
और विपक्ष हेतु जो है न्यूनतम गणपूर्ति कुल सीटों का 10% होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर आप सभी को विपक्ष में बैठना है, यानी कि जो है सरकार के विपक्ष में किसी पार्टी को बैठना है, तो उसे 543 सीटों में से जो है 10% जो है वोट जनता का लेना है, यानी कि 54 सीटें आपके पास होनी चाहिए। जिस प्रकार से 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो जो है उस समय कांग्रेस के जो है 54 सीट भी नहीं आए थे, इतनी खराब स्थिति करी गई थी। फिर हम देखते हैं कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब की गई थी, तो 13 मई 1952 को की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष लोकसभा के कौन बने थे, तो गणेश वासुदेव मालवणकर जी, तथा उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंकर जी। तो यह आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो है लोकसभा की कौन सी बैठक चल रही है, तो 17वीं बैठक जो है लोकसभा की चल रही है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी, ये भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो आज का हमारा ये हो जाता है नवा टॉपिक, पॉलिटी का ये नवा टॉपिक हो जाता है। अगर आप सभी ये 15 मिनट नहीं देखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप मतलब स्टार्टिंग से 15 मिनट भगा कर भी राज्यसभा से अपनी वीडियो देख सकते हैं। मुझे लग रहा था कि कल की वीडियो में मैं थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि जो है लाइट और इन्वर्टर दोनों मतलब प्रॉब्लम दे रहे थे, तो इस वजह से। तो राज्यसभा इसे देख लेते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है। ये अपर हाउस है। जिस तरह से राज्य में अगर देखा जाए, राज्य में विधान परिषद होता है, उसी तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आप सभी को बताया था। इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और रिलेट करूंगा राज्य से भी, कि किस प्रकार से जो है राज्य में राज्य सेंट्रल में जो है राज्यसभा होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद को भी उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह भी कभी विघटित नहीं होता है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रतिनिधि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की इसका मतलब क्या हो जाता है कि राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। तो यही जो 31 लोग होते हैं यूपी के, यही जाकर पार्लियामेंट में जो है अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी सामने आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा का गठन कैसे होता है। तो राज्यसभा में जो है सीटों की अधिकतम संख्या, ठीक है, तो सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, और ये 250 लोग जो है कहाँ से आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में 245 हैं, लेकिन राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 250 होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में कितनी है, 245 है। 245 को जो है दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो 233 प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं, यानी अपने राज्य का नेतृत्व करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूपी में 31 सीट है राज्यसभा की, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी है कुछ सीटें, तेलंगाना, तमिलनाडु, सभी राज्यों में कुछ कुछ सीटें हैं। तो यही जो है जोड़ के जो है सभी राज्यों की 233 सीटें हो जाती हैं, जो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए इसे भी क्या कहा जाता है, इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। और ये जो 12 लोग हैं, 245 में से 233 निकलेगा तो 12 बचेगा, तो ये 12 जो है कहाँ से आते हैं, ये 12 जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र से आते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे कहाँ से, कला से आ जाएंगे, साहित्य विज्ञान से आ जाएंगे, खेल से आ जाएंगे, या सामाजिक कोई अच्छा आदमी हो सामाजिक क्षेत्र में, वो उसे जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिकल 80 के तहत जो है, आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसे अधिकार किसके तहत मिला है, तो आर्टिकल 80 के तहत। नेक्स्ट है आपका, यह प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक इत्यादि से संबंधित होते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो प्रतिनिधि है, ये अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करके राज्यसभा में भेज देते हैं। इसके बाद देखते हैं 12 लोगों को मनोनीत करने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। तो जो 12 लोग राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, यह प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। जबकि राज्यसभा में सीटों के वितरण का आधार, तो यह भी जो है जनसंख्या पर निर्भर करता है। सर्वाधिक आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में जो है 19 सीट है, तमिलनाडु में जो है कितनी है, 18 सीट है, पश्चिम बंगाल में और बिहार में 16 सीट हैं, और मध्य प्रदेश
गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें हैं। तो इस प्रकार के सभी राज्य अपना राज्यसभा सीट जोड़कर और राज्यसभा में जब आते हैं तो टोटल कितनी संख्या हो जाती है, तो 233 सीटें हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका राज्यसभा का सदस्य बनने की शर्त क्या है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की शर्त है आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके बाद क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो राज्य आप एक इतना याद करेंगे कि विधानसभा किसे कहते हैं, विधान परिषद किसे कहते हैं, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो एक बार चित्र में भी देखेंगे, ऐसे पहले समझा दें, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं। कहाँ पर, किस क्षेत्र में, विधान परिषद में या विधानसभा में, आप बताएं हमें, तो हम बता देते हैं, ये है विधानसभा में। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा में, यही 403 लोग जो है जो 31 उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट है, वही 403 लोग जो है इसी 31 सदस्य का चुनाव करते हैं अपने राज्य से, जो कि किससे संबंधित होते हैं, राज्यसभा से संबंधित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीटें हैं 403 सीटें, और यहीं से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, तो 31 सीट हैं। तो यही जो है 403 सदस्य जो है इसी 31 सीटों के लिए जो है अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, जो कहां पर जाएंगे, जो पार्लियामेंट में जाएंगे यानी राज्यसभा में जाएंगे, और यही 31 लोग जो है क्या करेंगे, यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी यूपी की प्रॉब्लम्स को जो है कहां पर शेयर करेंगे, पार्लियामेंट में, संसद में, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 वर्ष होता है। मैंने बताया था जैसे ये राज्यसभा आपका हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत क्या होता है, तो आपका हो जाता है राज्य परिषद, जिसे क्या कहते हैं, विधान परिषद भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, विधान परिषद भी कहते हैं। तो विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे बार सेम उसमें भी यही प्रोसेस था, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे पूरा नहीं बताया आज, वो कल की वीडियो में बताया था लेकिन आज की वीडियो में नहीं। परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और इतने ही सदस्य जो है पदमुक्त होते हैं। तो इसका जो है क्या प्रोसेस है कि 6 वर्ष तक तो इनका कार्यकाल रहेगा, इसके बाद 1/3 सदस्य इनका निर्वाचन अगर हो रहा है तो 1/3 सदस्य भी 1/3 सदस्य ही क्या होंगे, पद अपने मुक्त हो जाएंगे, पदमुक्त यानी इन्हें जो है राज्यसभा से पदमुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, जितने आएंगे उतने निकलते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता देते हैं, मान लीजिए कोई एक संगठन है, ठीक है, इस संगठन में जो है 5 लोग हैं, अगर जो है बाहर से 1 लोग आ रहे हैं, तो इधर मान लीजिए कि 5 लोग में से कौन जिस क्रम में आएगा उसी क्रम में निकलेगा। तो 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में से मान लीजिए कि पहले नंबर का व्यक्ति पहले आया था तो पहले को निकाल देंगे, तो गिनती कहाँ से शुरू हो जाएगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब पहला निकलेगा, और इसके बाद जब यहाँ से कौन आएगा तो 1 आएगा जिसकी संख्या क्या होगी, 6 नंबर का होगा, ठीक है, ये 6 नंबर का होगा, क्योंकि पहला निकलेगा, फिर जैसे दूसरा निकलेगा वैसे 1 तुरंत फिर आ जाएगा जो क्या कहलाएगा, 7वें नंबर का व्यक्ति होगा, फिर 1 इंटर करेगा तो तीसरा कटेगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, 8वां। तो मतलब ये 5 सदस्य कंटिन्यूअस बने रहेंगे, ठीक है, 1 इंटर करेगा, 1 निकलेगा, जो पहले आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रोसेस बताया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सभी अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, आप पूरे भारत में कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट आपका, पहली राज्यसभा का गठन जो है कब किया गया था, तो पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, दो डेट आप सभी को याद रखना, एक तो आपका हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। पहले इसे क्या कहा जाता था, तो पहले राज्यसभा का नाम रखा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका पहले नाम रखा गया था, लेकिन 1954 में इसे जो है काउंसिल ऑफ स्टेट से बदल कर क्या नाम रख दिया जाता है, राज्यसभा इसका नाम रख दिया जाता है। फिर एक सेकेंड डेट आप सभी को याद रखना है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को हुई थी, और इसी दिन जो है क्या हुआ था, लोकसभा की भी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा में सभापति होते हैं,
राज्यसभा में सभापति होते हैं, उसी प्रकार जो है लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कौन होता है, सभापति होते हैं। अब सभापति के बारे में हम देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभा राज्यसभा में सभापति बनता है। यह जो है आर्टिकल संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो राज्यसभा सॉरी सभापति से संबंधित आर्टिकल हो जाता है 89। तो ये पॉइंट आप भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से किसी एक सदस्य को राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर मनोनीत करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो राज्यसभा है इसी अपने राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, कितनी सदस्य संख्या है राज्यसभा की, तो वर्तमान में 243 है। ठीक है, तो इसी में से जो है एक को क्या बना देंगे, उपसभापति बना देंगे। तो यही एक बन जाता है उपसभापति। नेक्स्ट आपका, उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति यह जो है अपना वेतन भत्ता किस प्रकार से ग्रहण करेगा, तो राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको अगर नियुक्त कर दिया जाता है तो वेतन भत्ता अपना उपराष्ट्रपति का नहीं पाएगा, किसका पाएगा, तो राज्यसभा का, जो सभापति के प्रोसेस पे उसके लिए सारी बातें कही गई है उस आधार पर उसे वेतन भत्ता और उसकी सारी सुविधाएँ मिलेंगी, उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलेंगी, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, तो मैंने बता दिया था। तो एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, एक तो आपका हो जाता है कि जो ये समूह था राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से किसी एक सदस्य को राज्यसभा के उपसभापति बनाते हैं, तो मैंने बताया था जो ये आपका 243 हो जाता है, ये एक क्या है, ये एक राज्यसभा का पूरा संख्या है। तो इसी में से एक को निकाल देते हैं, एक को निकालते हैं जिसे क्या बनाते हैं, उपसभापति बनाते हैं। ठीक है, उपसभापति बनाते हैं, तो एक यहाँ पे चलाया। और मैंने क्या कहा, जो ये राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ये क्या बनते हैं, ये सभापति बनते हैं। तो इन्हीं दोनों से संबंधित, एक तो उपराष्ट्रपति से और एक आपका सभापति से। तो इसमें आप सभी को बताना है कि सभापति का कार्यकाल कितने दिन का होगा, जबकि मैंने बताया था कि जो है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब सोचने लायक प्रश्न है, अगर सोचेंगे तभी समझ पाएंगे, तो सभापति का कार्यकाल कितना होगा, सभापति कौन बना है, उपराष्ट्रपति बना है, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जो है इनका कार्यकाल कितने दिन का होने वाला है, एक हम बता देंगे। तो उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, तो उपसभापति का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, क्योंकि ये अपने बीच से ही एक सदस्य को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उसे उपसभापति बना रहे हैं, तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, आप सभी को इसको कमेंट करके बताना, अगर नहीं बता पाए तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा या फिर 6 वर्ष, तो ये दोनों आपको चूज करना है, थोड़ा सा सोचेंगे तब पता लगेगा। वैसे बहुत से लोगों का जवाब होगा 6 साल, लेकिन नहीं 6 साल नहीं होगा, कितना होगा, 5 साल। ठीक है, क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है यह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसका चुनाव जो है कहाँ से, इसका चुनाव जो है राज्य के विधानसभाओं से, इसका चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कार्यकाल कितना होगा, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है 5 साल के निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसका काल हो जाएगा 5 वर्ष, जबकि उपसभापति का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, बाकी के 3 क्लासेज मैंने पूरे संविधान पर, मतलब आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 370 तक मैंने 3 क्लासेज ली हैं, और किस अनुच्छेद में जो है क्या विवरण दिया गया है फैक्ट के तौर पर मैंने करा दिया है क्लास, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी थ्योरी क्लासेस के तहत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पड़ेगा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो तीनों वीडियो जरूर देखेंगे, 10 से 12 मिनट के तीनों वीडियो हैं। आर्टिकल 249, इसमें क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 249 में कहा गया है, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में उल्लेखित किसी विषय पर कोई विधेयक सदन में प्रस्तावित है तो उस पर राज्यसभा की सहमति आवश्यक होगी। तो मान लीजिए अगर राज्यसभा की सूची में जो है कोई विषय या कोई विधेयक सदन में प्रस्तावित किया गया है, सदन मतलब आपका लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है, तो उस पर जो है अगर राज्यसभा से संबंधित है, यानी कि उस राज्य से, मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई मैटर है और वह कहाँ पर है, सदन में प्रस्तावित के लिए भेजा गया, तो सदन में अगर प्रस्तावित विधेयक कोई उत्तर प्रदेश से संबंधित भेजा गया है, तो यह जरूरी हो जाता है कि उस राज्यसभा के जो सभापति, अरे उस राज्यसभा को भी बताना चाहिए, यूपी के राज्यसभा को भी बताना चाहिए कि जो है तुम्हारे राज्य से संबंधित कोई बिल या कोई विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत किया गया है।
तो बताना ये जो है जरूरी है, क्योंकि उसके पास राज्यसभा के पास उस राज्य के राज्यसभा के पास जो है आर्टिकल 249 के तहत यह अधिकार है कि उसे बताया जाए। आर्टिकल 312 में क्या उल्लेखित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का जैसे आपका होता है कि पूरे भारत में कौन सा नौकरी यानी कि कौन सी जॉब है जो पूरे भारत में करी जा सकती है। सरकारी के लिए आप बताएंगे तो मैं एक बड़ा सा जॉब के बारे में बता रहा हूँ, जैसे आपका हो जाता है IAS, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक ही पेपर जो कुछ प्रोसेस होता होगा उसके छोड़ देते हैं, बस इतना बताते हैं जो अखिल भारतीय सेवा है यानी कि जो आपका IAS का पोस्ट है या जो है पूरे भारत में कहीं भी इसको जो है क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर किसी टीचर को जो है राज्य सेना मतलब राज्य के स्तर पर छोड़ करके जो है पूरे भारत में कहीं नियुक्त करना चाहेंगे तो उस राज्यसभा की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो इसमें ये बात कही गई है कि कोई अगर अदर पोस्ट पर जो है इसका प्रावधान जो है संविधान में है, लेकिन अगर नया कुछ जो है इस तरह का प्रोसेस करने वाले हैं कि जो है मान लीजिए कि जो है राज्य में चुनाव टीचर की वैकेंसी निकली, उसमें जो है आपने पेपर दिया, आपका क्वालिफाई हो गया, तो अगर आपको पूरे भारत में कहीं भी नियुक्त करना पड़ेगा तो 312 के तहत जो है आपकी राज्यसभा को ये बात बतानी होगी कि जो है हम आपके जो है टीचर को कहीं भी पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट, यानी अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो यह जो है क्या है, तो कार्य संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, राष्ट्रपति आता है। और कौन कौन आते हैं, तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। मैंने आप सभी को बताया था संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो मैंने लोकसभा पढ़ा दिया, राज्यसभा भी अभी अभी समाप्त कर दिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का उल्लेख है पार्ट यानी भाग 5 में, अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 78 तक है। मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने 3 वीडियो पॉलिटी पर ली है आर्टिकल से संबंधित उसे जरूर देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख किसे कहा जाता है, या राष्ट्रपति को कहा जाता है। समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो समस्त कार्यपालिकाओं की शक्ति होती है किसमें निहित होती है, तो वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद मतलब कौन, तो आपका जो लोकसभा या राज्यसभा की जो टोटल सीटें होती हैं, जैसे आपका मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद, मान लीजिए आपका लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में, तो 543 सीटें हैं। कितनी हैं, तो 543 सीटें हैं। तो इस 543 सीट में से यही क्या कहलाता है, तो यही 543 सीट में से जब जो है 272 सीटें जो जीत जाएगा जो पार्टी, वही अपना क्या बना लेता है, एक मंत्रिपरिषद उसका बन जाता है। इसी में से एक PM बन जाएंगे और बाकी कुछ महत्वपूर्ण जो है पोस्ट पर जो है जो मंत्रियों को नियुक्त कर देंगे वही कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है, जो ये बाकी के 272 सांसद हैं इसी को क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और इसी के सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करती है जनता, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जो है प्रत्यक्ष रूप से उसी का चुनाव किया जाता है जिसको जनता वोट करे। तो राष्ट्रपति को जो है चुनती नहीं है, क्यों नहीं चुनती है, क्योंकि जनता उसे चुनती है अपने प्रतिनिधि को, और यही प्रतिनिधि किसे चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को बता दें, तो मान लीजिए आपका पूरा भारत हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, पीपल ऑफ इंडिया। तो यह जो है जनता जो है किसे चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को, किस रूप में, चाहे MLA के रूप में चुने या MP के रूप में, ठीक है। तो यही प्रतिनिधि जो है किसे चुनेंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो कह सकते हैं इसे जनता प्रतिनिधि को चुनेगी किस रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में। जबकि यही जनता अगर प्रेसिडेंट को चुनेगी तो मान लीजिए किस तौर पे, तो अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, क्योंकि ये इसे चुनेगी, ये इसे चुनेगा। आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि जो है प्रेसिडेंट को प्रत्यक्ष रूप में चुनेगा, जबकि जनता अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। अब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें जो है राष्ट्रपति को चुनने में अपना योगदान देता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।
तो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के हों, सभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा का सेम वही प्रोसेस है। राज्यसभा में जो है यानी जिसकी सरकार है वर्तमान में और जिसकी नहीं भी है, यानी जिसको जनता ने चुना है चाहे उनकी सरकार बनी हो या नहीं बनी हो, वो भी जो है किसको चुनेंगे, राष्ट्रपति को। आप पहले पद गिन लीजिए कि कौन कौन लोग इसमें जो है हिस्सा लेने वाले, तो क्रम से लिखेंगे, पहला तो एक हो जाएगा लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा आपका राज्य विधानसभा और चौथा आपका दिल्ली वाला। तो ये पहले तो गिन लेंगे कि हमको जो है याद करना है, हमको चार चीज़ें याद करना है, फिर इसके बाद तब सोचेंगे चारों में कौन कौन सा याद करना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा आपका राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा आपका हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वह होंगे, यानी जिसमें आपके कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, विधानसभा मतलब हो जाता है सीएम। ठीक है, तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप सभी को पता है वैसे जो है मैंने कितना बताया था, 8 यूटी बताया था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जो है राष्ट्रपति को चुनने में सिर्फ 3 ही यूटी के लोग आते हैं। कौन कौन से, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, यही 3 आते हैं, बाकी के नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार कब दिया गया था, तो 17वें संविधान संशोधन के तहत 1992 से, यानी कि जो है इसे विधानसभा का दर्जा कब दिया गया था, तो 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और जम्मू कश्मीर को आप सभी को पता था पहले यही स्टेट था, और इसके बाद जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में विभाजित कर दिया जाता है, एक तो आपका यलफा और लद्दाख हो जाएगा और इसके बाद जेफा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है स्वरूप कब आता है यूटी के तौर पर, 31 अक्टूबर 2019 से। तो यह भी अब जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति के चुनने में योगदान देता है। तो आप इतना 4 पोस्ट याद रखेंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, ये दोनों पोस्ट आपका हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जबकि राज्यों की विधानसभा ये आपका सीएम वाला पोस्ट हो जाता है, सीएम हो जाएगा। और इसी प्रकार दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो है वोट नहीं करते हैं, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति मनोनीत कितने व्यक्तियों को करते हैं, तो राज्यसभा में 12 व्यक्ति को करते हैं, और ये जो है 12 व्यक्ति राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की पदा अवधि, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाता है 5 वर्ष। आर्टिकल किसमें लिखा गया है, राष्ट्रपति की पदावली यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है, जो कि 5 साल होता है। नेक्स्ट आपका, इसके पहले जो है राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है, चाहे तो वो अपना 5 साल ना पूरा करे, या फिर राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है, या संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग भी लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी अगर जो है वह संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है, तो जो है महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो 3 प्रोसेस से जो है राष्ट्रपति को मतलब हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया एक है, लेकिन एक हो जाता है राष्ट्रपति खुद हट जाए, दूसरा हो जाता है कि अकस्मात प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा बात मान लीजिए कोई आपका साथी खड़ा है, उससे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो वो कहेगा हाँ लगाया जा सकता है। इस प्रकार से हाँ या ना में इस प्रकार से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, इसलिए मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है किसके तहत, आर्टिकल 56 के तहत ये बात कही गई, हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब महाभियोग किस तरीके से लगाया जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस होने वाली है, यह जो है किसमें उल्लेख है, तो आर्टिकल 61 में। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो महाभियोग लगाया जा सकता है इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में है, और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, यानी कि राष्ट्रपति उस वक्त अगर मान लीजिए मौजूद नहीं है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, या कहीं बाहर किसी दौरे पर हैं, और इस मामले में बात कही जा रही है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालेगा। तो राष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति देखेगा, और लेकिन 6 माह के भीतर नए प्रेसिडेंट का चयन किया जा सके। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में हो जाना चाहिए, तब तक जो है राष्ट्रपति का पोस्ट कौन देखने वाला है, उपराष्ट्रपति। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब उपराष्ट्रपति
प्रेसिडेंट के पद पर आ जाएगा, तो प्रेसिडेंट का जो भी मतलब ताकत थी, जो भी वेतन भत्ते थे, वो किसको मिलने वाला है? उपराष्ट्रपति को मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति न रहे और उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी CGA इस पद को संभालेगा। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किस पद को संभालने वाला है? राष्ट्रपति के पद को। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं और यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट और यहाँ पे CGA हैं, तो पहले अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो पहले ये जाएगा, उप प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो डायरेक्ट कौन जाने वाला है? CGI जाने वाला है। और जब CGI नियुक्त हो जाएगा प्रेसिडेंट के पद पर, तो इसे भी पूरा शक्ति दे दिया जाएगा जो प्रेसिडेंट के पास होती है, वेतन भत्ता शक्तियाँ सब कुछ। नेक्स्ट है आपका, और इस तरह की कंडीशन अपने भारत में कभी हुई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि आपका राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे और जो है CGA जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाले, तो इससे ऐसी कंडीशन भारत में आई है? तो बिल्कुल हाँ, एक बार आई है। तो देख लेते हैं कब आई है। जस्टिस एम हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं यानी CGA हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखना, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और इन्होंने कार्य कब तक संभाला है? तो 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त यानी एक माह तक संभाला है। कब? और 1969 में। ऐसी स्थिति भारत में आई थी कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस कंडीशन में जो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की यानी राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? यह तो पहली बात आर्टिकल 58 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल मतलब सन की पागल ना हो कि बैठते ही पता लगे कि युद्ध की घोषणा कर दे या तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है बोल दे चीन को मार दो, तो इस तरह से पागल वागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया का मतलब होता है कि वो फ्रॉड ना हो जैसे विजय माल्या वगैरह की तरह। ठीक है, न्यूनतम आपका क्या होता है? न्यूनतम आयु जो है प्रेसिडेंट के लिए कितनी हो जाती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा की योग्यता रखता हो सदस्य बनने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए जो है कितने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से जो है आपके पास जो है 50 प्रस्ताव लेकर आएँ कि हाँ जो है इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना देना है, और इसके बाद 50 अनुमोदक हो जो कहे हाँ हाँ जरूर बना देना चाहिए। ठीक है, तो 50 तो आपके साथ होने चाहिए और 50 हाँ करे कि हाँ ठीक है बना दीजिए इनको। ठीक है, तो इस प्रकार के से जो है आपके पास 100 लोग जरूर होने चाहिए जो आपकी तरफ हाँ ना मतलब आपकी हाँ में हाँ करें ना में ना करें। आर्टिकल जो है 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो किया जाता है इस प्रक्रिया का उल्लेख किस में किया गया है? तो आर्टिकल 60 में किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो है सिर्फ मेन मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम जो है करीब है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वहीं से टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, यानी मैंने भाग एक और भाग दो नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब से या फिर गूगल से कहीं से भी, इतना तो अब इंटरनेट और बाकी सब कुछ तो अवेलेबल है नेट पर, तो आप पहला भाग और दूसरा भाग जरूर पढ़ लेंगे। वैसे कुछ है नहीं, बस क्या है शपथ की प्रोसेस है और भारत का जो है विस्तार दिया गया है इस बारे में है, एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये बात कहाँ कही गई है? तो आर्टिकल 60 में कही गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये बहुत डिफिकल्ट भाषा है, इसको सिर्फ आप रट लीजिए। ठीक है, एक मेरी तरफ से आप रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या क्या है इसे अब हम देख सकते हैं। और महाभियोग कब लगेगा? अगर राष्ट्रपति जो है संवैधानिक रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा।
तो इसका प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन होने पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो मैंने बताया था कि संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है, और इस कारण जो है प्रस्ताव जो है जो आप प्रस्ताव लाएंगे वह संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मान लीजिए आप लोकसभा में लेकर आ रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग का प्रस्ताव, तो लोकसभा के जो है 1/4 सदस्यों का इस फाइल पर जो है सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आप महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं तो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना यह देना चाहिए कि हाँ हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना चाहिए, जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जो है अपने आपको वो उल्लेखित कर सके कि हाँ मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि अपने पक्ष में या जो उसके खिलाफ जो है जिस प्रकार का लोगों के मन में विवाद है उसको समाप्त कर सके। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है उस सदन में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। एक तो प्रस्ताव लाने के लिए आपको आपके पास जो है उस सदन का 1/4 जो है सिग्नेचर होना चाहिए, तब जो है वहाँ से जब पास हो जाएगा मतलब लोकसभा से 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर लेकर आप कहाँ पर आएंगे, राज्यसभा में आएंगे, और राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत से लोगों ने उसे पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। यदि दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए तो राष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस बता दिया, तो याद रखेंगे ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने लोगों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, तो किसी भी सदन का 1/4 सदस्य जो है उस पर सिग्नेचर करे। इसके बाद अगर जो है पास करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो दूसरे सदन में 2/3 बहुमत के साथ जो है उस पर पास किया जाए तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये देखो कितनी अजीब बात है ना, मैंने क्या बताया था कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, अभी 2-10 मिनट पहले बताया था। लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया अगर राष्ट्रपति पर लागू है तो वो जो 12 लोग को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था वो भी जो है महाभियोग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी प्रेसिडेंट को हटाने में अपना योगदान देंगे। राष्ट्रपति का वेतन जो है कितना है, तो अभी 2018 से जो है वेतन बढ़ा दिया गया है, नियर अबाउट 5 लाख कर दिया गया है पर मंथ। इसके बाद भारत में जो है किसी व्यक्ति को कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि भारत में जो है राष्ट्रपति एक बार या दो बार बनने वाला है, जबकि आपको पता है कि USA में जो है 2 ही बार जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अपने भारत में ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट बस थोड़ा सा और बचा है, 2 पेज और है, मुश्किल से 2 पेज 10 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज जो है ये चाहते हैं कि इस प्रकार की जो जितने भी वीडियो समाप्त हो जाए, कल से 1-2 या 2 वीडियो में पॉलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इसके बाद 1-9 नोट आप सभी को हम अपने मतलब यूट्यूब चैनल पर करवा देंगे, जिससे आपकी पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मान के चलिए 2 से 3 क्लास और आएगी, बस इतना आएगा। इसके बाद आप पॉलिटी का कोई भी पेपर देंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बस 2-3 वीडियो तक और बने रहें, फिर इसके बाद जो है हम अपना हिस्ट्री या फिर आप जो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, चाहे हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई भी शुरू कर देंगे, और इतना उम्मीद करेंगे कि जो है RO AR से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो उसको 10 जनवरी तक समाप्त कर देंगे, और 10 से 20 जनवरी के बीच जो है एक दूसरा सब्जेक्ट भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी के दिनों में अगर समय बचता है तो आप जो बोलोगे वो करवा देंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये बात आपको पता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाकर उससे सरकार के कामकाज की जानकारी ले सकता है, यानी राष्ट्रपति बुलाए, ऐसे बुलाए पुष्पाई धराओ अभी तक जो है 5 साल में क्या किए हो क्या नहीं किए हो, इसका जो है हमें पूरा विवरण चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति के पास कितने आर्टिकल 78 के तहत जो है अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, वह जो है प्रधानमंत्री से उनके कार्य कामकाजों का उल्लेख मांग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी आपको पता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठित कर सकता है, तो राज्य और केंद्र के बीच कोई असहयोग की स्थिति हो तो उस कंडीशन में जो है अंतर्राज्यीय
अंतर्राष्ट्रीय जो है परिषद का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करते हैं, और यह जो है आर्टिकल किस में है? 263 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति सदन की बैठक। राष्ट्रपति सदन की बैठक यानी मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाता है और उसका अवसान यानी सस्पेंड भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है सदन की बैठक पूछता है कि कौन बुलाता है, तो सदन की बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है और उसे जो है अवसान यानी सस्पेंड भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड जी, सदन के दोनों सदनों के बीच यानी सदन के दोनों सदन के बीच जो है, मान लीजिए कि एक सदन जो है आज बैठ गया और दूसरा सदन जो है 6 माह भी के बाद जो है जरूर बैठना चाहिए, ठीक है? तो इसके बीच में जो है कितने दिन का गैप होना चाहिए? मान लीजिए एक आज बैठ गया तो दूसरा कब बैठना चाहिए? तो 6 माह के से ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो गैप कितना होना चाहिए? 6 माह का। तो सदन के दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, गतिरोध मतलब दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी दोनों को एक साथ बुलाकर जो है किसी बिल पर या किसी विधेयक पर अगर गतिरोध हो रही है, लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो दोनों को बुला के राष्ट्रपति पूछेगा क्या हाल चाल है, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो दोनों, आपस में जो है आप सामने बैठो मेरे, इसके बाद दोनों लोग आपस में बातचीत करो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। इस तरह की बैठक को क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 108 में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मान लीजिए किसी सभा से जो है यानी लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक आया है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे जो है एक बार देखा फिर दे दिया वापस कि जो है ले जाइए, इस पर जो है एक बार फिर से विचार कीजिए, फिर मेरे पास लाइए। तो यह जो है आर्टिकल 111 में कहा गया है। नेक्स्ट आपका, धन विधेयक लाने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये भी याद रखेंगे कि धन विधेयक लाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, और कि इसी बीच जो है देश में जो है किसी बात को लेकर कानून भी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मान लीजिए कोई भी मुद्दा हो, जैसे खालिस्तान का मुद्दा समझ लीजिए कि जो है इस समय जो है भारत में बहुत ज़्यादा उठ जाता है, कभी कभी ये बात उठ जाती है, अलग मांग करते हैं भारत से, अलग एक खालिस्तानी देश का मांग करते हैं। अगर इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति को लगे कि ये खालिस्तानियों के लिए कानून बनाना है लेकिन सत्र तो चल नहीं रहा है, फिर भी उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर देता है कि हाँ ठीक है कानून इस तरह का बना दीजिए और इनको पहले शांत करिए, ठीक है? तो इसके पास आर्टिकल अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में राष्ट्रपति को है, यानी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 में। और जो ये अध्यादेश जारी किया जाएगा, क्योंकि यह कानूनी तौर पर पास नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि सत्र चल नहीं रहा है, तो यह कानूनी तौर पर पास नहीं होगा, और यह सिर्फ कितने दिन के लिए पास हो सकता है? तो यह सिर्फ 6 सप्ताह के लिए पास हो सकता है। इसके बाद आपको जो है सदन में इसको प्रस्ताव को पेश करना पड़ेगा, फिर इसके बाद उसे जो है संवैधानिक कानून पर बनाया जाएगा, फिर आप इस कानून को लंबे समय तक रख सकते हैं संविधान में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किसी कानूनी मुद्दे पर, तथ्यात्मक मुद्दे पर, ठीक है, कानूनी मुद्दा हो या तथ्यात्मक मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 143 में कही गई है। यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, और नेक्स्ट टाइम फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहेगा तो भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति, ठीक है, 11वां पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 53(2) के तहत, ठीक है? नोट में देखेंगे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जो तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका 12वां नंबर, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त है। क्षमादान शक्तियाँ राज्यपाल को भी प्राप्त हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है अधिकार क्षमादान प्राप्त करने की किसके पास है? क्षमादान करने की, तो राष्ट्रपति के पास, जिसका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति कालीन जो है, राष्ट्रपति जो है किस तरीके से जो है देश में तीन तरह की आपातकाल की स्थिति लागू कर सकता है, किस किस क्षेत्र पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति जो है तीन प्रकार से जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। एक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका हो जाएगा वित्तीय आपात। तो मैंने इसको पहले ही वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे थोड़ा जल्दी बताएंगे नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसका आर्टिकल है 352। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकालीन यानी फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख 352 में किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात का आधार जो है तीन प्रकार से जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तीन कंडीशन होने पर देश में जो है राष्ट्रीय आपात लग सकती है। तो पहला हो जाता है युद्ध, एक देश से दूसरे देश पर जो है युद्ध अगर लगातार चल रही है तो इस कंडीशन में जो है आपातकाल लग सकता है देश में। और बाह्य आक्रमण, यानी कि किसी दूसरे देश के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाए सडनली, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। या फिर आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि देश के अंदर ही जो है क्या हो जाए, अशांति फैल जाए, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगता है। और यह अब तक जो है कितनी बार लग गया है, तो यह जो है तीन प्रकार से लग सकता है और तीन बार ही लागू लगा है अब तक, ठीक है। यदि एक बार आपातकाल लगने के पश्चात यह 6 माह तक लागू रह सकता है। इसकी एक बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो वो एक बार में सिर्फ 6 माह तक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप सभी को लगाना है तो फिर से कानून और प्रस्ताव पेश कराना पड़ेगा, फिर जो है फिर आप 6 माह का लगा सकते हैं। फिर अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है फिर आपको जो है प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। तो 6-6 करके 6-6 माह का आप अंतर लेकर जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात लगाने का कारण क्या हो जाता है, तो ये तीन आधार मैंने बता दिया है। अब तक देखते हैं कि अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, सॉरी राष्ट्रीय आपात लगा है। तो अब तक जो है तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा है। कब कब? पहला लगा है 1962 में इंडो चाइना वार के समय, मतलब भारत और चीन के युद्ध के बीच, और दूसरा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरा इमरजेंसी कब लगी थी भारत में, तो 1975 में लगी थी। ये लगा था आंतरिक अशांति के कारण, यानी अपने ही देश में विवाद हो जाने के कारण। इस समय पर जो है सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस के पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का चयन किया गया। तो जो मैंने यहाँ पे बताया, जो ये पहले आंतरिक अशांति शब्द दिया गया था, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, तो आंतरिक अशांति का शब्द जो है इसे हटाकर इसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का चयन किया गया। एक बार फिर से देख लेंगे, तो इसको हटाकर ये शब्द लाया गया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो दूसरे नंबर का देखते हैं राष्ट्रपति शासन, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 356 में है, और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? डेथ आर्टिकल कहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तो संवैधानिक प्रक्रिया के सही है ये कि जो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, यानी कि इस राज्य में, इस अर्थ में उस राज्य के जो राज्यपाल तथा विधानसभा की पुष्टि हो जाए, यानी कि जिस राज्य में, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और जो विधानसभा का सीट है पूरा, मतलब जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश का, इसके द्वारा, तो राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी जाए कि हाँ जो है इस राज्य में जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तो इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और अधिकतम 3 माह के लिए लगाया जा सकता है। आपने देखा था कि राष्ट्रीय आपात में जो है 6 माह तक ही लगा सकता है, फिर इसके बाद अगर आपको 6 माह लगाना है फिर प्रस्ताव लेकर जाना पड़ेगा, फिर लगाना है तो फिर प्रस्ताव लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राज्य में ऐसा कंडीशन नहीं है, राज्य में एक बार में अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन 6 माह में, मतलब 6 माह लगा दिए हैं, अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो इसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं और एक साथ में जो है 3 साल तक जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन
लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद वित्तीय आपात का उल्लेख है आर्टिकल 360 में, जो कि अभी तक जो है भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में यानी जुडिशरी के बारे में, और एक दो टॉपिक और उससे रिलेटेड है जो कि आपको थ्योरी क्लास में देना है, और लास्ट में हम आपको एक वन लाइनर नोट्स देंगे यानी हम खुद करा देंगे कॉपी पे इसी तरह से लिख कर, फिर इसका आपका जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि पता है इसको लिखने में इतना टाइम लग जाता है और आप सभी को कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, कुछ जमान इधर उधर हो जाता है मुझे पता है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ताकि वीडियो बड़ी ना बने। तो आज ये हमारा काफ़ी मतलब 10% वीडियो और बचा है, बाकी का पूरा जो है पॉलिटी समाप्त हो गया, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।